वहीं दूसरी ओर देश का एक ऐसा हिस्सा ऐसा भी है जहां पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जी हां, राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान झुलसा देने वाली गर्मी में वतन की रखवाली कर रहे हैं। हर तरफ बस रेत ही रेत, आसमान से रेगिस्तान पर सूरज का कहर और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में सरहद की रखवाली करते जाबाज। ये सरहद किसी भट्टी से कम नहीं। जब लोग अपने एयर कंडीशन कमरों में आराम फरमा रहे होते हैं, उस वक्त पाकिस्तान से लगी सीमा पर 50 डिग्री तापमान में ये वीर सरहद पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। जी न्यूज की टीम तपती चिलचिलाती धूप में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म रेत भरी आंधियों के बीच बीएसएफ के इन जाबाजों से मिलने पहुंची। हमको इस चीज से गर्व होता है कि हमको देश की सेवा करने का मौका मिला और वर्दी को पहनने से एक अलग ही जुनून पैदा होता है। बाकी घर वालों को समझा के रखते हैं कि यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं है और कोऑपरेट करके चलते हैं। थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा तपाने वाली गर्मी से बचने के लिए बीएसएफ के जवानों ने खास किस्म का कूलर बनाया है। इसके अलावा हमने डक कूलर में दो मिट्टी के मटके लगा रखे हैं, तो इस मटके में पानी के लिए हमने 4-5 छेद बना रखा है और उसमें एंटी बैक्टीरियल नीम जो कि हमारे पास बहुतायत में पाई जाती है, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं जिससे कि कोई भी कीटाणु वगैरह इस पानी में ना पड़े। जैसलमेर के करीब भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर है। इस तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां एक वक्त रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। सरहद पर दिन में आग उगलते मौसम की चुनौतियां हैं तो रात में भी मुश्किलें कम नहीं है। थार का रेगिस्तान खतरनाक सांप और बिच्छू से भरा है, लेकिन सरहद के ये रखवाले हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ पार कर लेते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, निश्चिंत रहे और बेफिक्र रहे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, थार रेगिस्तान, जैसलमेर।